Vospa. Vosparats. Ja vatekedele. तो फाइनली दोस्तों दो दिन बाद स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा हिंदी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इस फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस सिनेमाघरों तक जा रही है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करती ही जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के 27 दिनों के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जानने वाले हैं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और बात करने वाले हैं कि इस फिल्म ने सलमान खान के किस फिल्म के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के डाहार्ट फैंस हैं और उनकी फिल्म पुष्पा 2 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सुकुमार सर के द्वारा डायरेक्ट की गई एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन से इंडियन ऑडियंस के दिलों में जगह बना चुकी है और लगातार कमाई कर रही है। अपने पहले हफ्ते में 230 करोड़ रुपए की कमाई करने के बाद अपने शुरुआती दो हफ्तों में 290 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ये फिल्म अल्लू अर्जुन सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी थी। इस फिल्म ने दोस्तों अल्लू अर्जुन सर की लास्ट फिल्म अलावैकुंठ पुरामुल्लो के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, जो कि नॉन बाहुबली सबसे बड़ी फिल्म थी और तेलुगु सिनेमा में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसर थी। इसी के साथ दोस्तों अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा के भी एक नए किंग बन चुके थे और प्रभास के बाद दोस्तों सिर्फ अल्लू अर्जुन की ही दो फिल्में हैं जो कि 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाई है। बताते चले दोस्तों आपको कि अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को पहली बार हिंदी में रिलीज किया गया और हिंदी में भी उनकी जिस तरह की धमाकेदार फैन फॉलोइंग थी वो साबित हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। सिर्फ 10 करोड़ रुपए में दोस्तों इस फिल्म के थिएटरल राइट्स खरीदे गए थे और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अभी तक 82 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। और दोस्तों इसी के साथ अल्लू अर्जुन की ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 25, 26 और 27 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने शुरुआती 24 दिनों में ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। अपने 25वें दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस निकल कर आए हैं वो रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के। वहीं दोस्तों अपने 26वें दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ 80 लाख रुपए का हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 360 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 27वां दिन है और आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाला है, यानी कि दोस्तों 85 करोड़ के साथ ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन ही चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों ऑल इंडिया ग्रॉस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 103 करोड़ का हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने सुपरस्टार सलमान खान की बिग बजट फिल्म रेस 3 के कलेक्शंस को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ दोस्तों भारत फिल्म के कलेक्शंस को भी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ चुकी है और अल्लू अर्जुन सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आप आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन अगर अपनी हर फिल्म को बॉलीवुड की फिल्मों के सामने रिलीज करते हैं तो क्या बॉलीवुड की फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन फिल्म के सामने रिलीज हो पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।